बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद और आप देखें नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की गवर्नमेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एंड्रॉयड बॉक्स की। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी T9 Pro Max Plus, न्यू डिवाइस आई है जी और ज़बरदस्त अच्छे फीचर के साथ है। एंड्रॉयड बॉक्स है जी। और अभी सबसे पहले तो इस एंड्रॉयड बॉक्स की मैं आपको प्राइस बताता चलूँ, जो कि एंड पर बताते हैं। मैं आपको स्टार्ट में जब इसकी प्राइस बताता चलूँ, 8500 इस एंड्रॉयड बॉक्स की प्राइस है जी T9 Pro Max Plus। अभी इसकी स्पेक के ऊपर बात कर लें। एंड्रॉयड इसका वर्जन जो है वो 11 है जी। CPU को 4 कोर, इसके अलावा GPU 5 कोर। रैम इसकी है जी 4 GB। रोम इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो 64 GB है, 64 GB। इसके अलावा वाईफाई की बात करें तो ये 2.4+5 GHz ड्यूल बैंड के अंदर है जी। अगर आपके पास ड्यूल बैंड वाला वाईफाई राउटर है तो 2.4 के सिग्नल भी ये कैच करेगा, 5 GHz के भी कैच करेगा। इसके अलावा इसके अंदर ब्लूटूथ भी मौजूद है। और मज़ीद इसके अंदर जो है वो इसका जो रिमोट कंट्रोल है जी वो वॉइस वाला है जी, विद वॉइस रिमोट कंट्रोल यहाँ पर आप मेंशन है जी। तो ये एंड्रॉयड बॉक्स है जी, 4K रिजल्ट के साथ आता है। अभी इसको ओपन करते हैं और खोल कर आपको चेक करवाते हैं कि दिखने में कैसा है, उसके बाद फिर आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो भी चेक करवाएँगे। तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जी डिवाइस ऑप्शन जो है। अभी मज़ीद देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी। इसके अंदर एक इसके साथ जो है वो 5 वोल्ट का अडाप्टर आता है। एक HDMI केबल जो है वो देखने को मिलती है, जो कि आप नॉर्मली TV या नॉर्मली आपके घर में बगैर एंड्रॉयड LCD है तो उसके साथ इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है जी इसका स्मार्ट जो है वो इसका रिमोट कंट्रोल, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस के साथ आता है जी। इसके अलावा इसके रिमोट कंट्रोल के ऊपर नेटफ्लिक्स, इसके अलावा यूट्यूब ऐप्स और गूगल प्ले की ऑप्शन जो है मौजूद है जी। तो एंड्रॉयड बॉक्स वो भी आपको चेक करवाते चलें। तो अभी यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपने इसका जो 5 वोल्ट अडाप्टर जो है वो अटैच करना है। HDMI केबल, अगर आप इसको इंटरनेट देना चाहते हैं लैंड केबल कर दीजिए तो लैंड केबल के भी दे सकते हैं। और यहाँ पर साइड पे आते हैं तो यहाँ पर आप इसके साथ ये 2 USB पोर्ट देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप इसके साथ USB जो है वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा माउस भी अटैच कर सकते हैं, कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं, प्लस इसके अलावा इसके अंदर SD कार्ड जो है वो भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जी और अच्छे फीचर के साथ आती है। अभी हम इसको अपने LCD के साथ कनेक्ट करते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है वो भी आपको चेक करवाते चलें जी। तो फ्रेंड, एंड्रॉयड बॉक्स को हमने अपने LED TV के साथ जो अटैच कर लिया है। हमारे पास जो LED TV था वो विदाउट एंड्रॉयड था, तो हमने इसके साथ जो है वो एंड्रॉयड बॉक्स जो है वो लगा लिया है। तो अभी हम इसके साथ जो है वो इसके ऊपर YouTube वगैरह या इसके अलावा बाकी चीज़ें जो चला कर आपको चेक करवाते हैं। तो ये लें जी, इंटरफेस आ चुका है जी। और सबसे पहले तो हम इसके ऊपर जो है वो YouTube चलाएंगे, तो उससे पहले हम सेटिंग पे आते हैं और सेटिंग में आने के बाद इसका जो है वो अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ जो कनेक्ट करते हैं। तो सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और अभी आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं जी 5 GHz के भी सिग्नल आ रहे हैं और इसके अलावा 2.4 हादी वाला जो है वो ये 2.4 है, हादी 5G ये 5 GHz के सिग्नल। हम 5 GHz के सिग्नल को जो है इसके साथ कनेक्ट करवाते हैं। जो एंड्रॉयड बॉक्स है हमारे वाईफाई राउटर के साथ कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी 5 GHz के सिग्नल के साथ ये कनेक्टेड हो चुका है। अभी बैक आते हैं जी और सबसे पहले तो हम इसके ऊपर जो है वो YouTube प्ले करते हैं जी और आपको 4K रिज़ल्ट जो है वो चेक करवाते हैं। तो ये लें जी, YouTube का इंटरफेस आ चुका है जी। तो यहाँ पर मैं जो है वो कोई भी 4K वीडियो जो है वो चलाता हूँ। अभी इस एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर मुझे एक खामी जो है वो देखने को मिली है कि ये जो एंड्रॉयड बॉक्स है थोड़ा सा स्लो है, जैसा कि इसमें बाकी एक दो मैंने अनबॉक्सिंग की थी उनकी स्पीड जो फास्ट थी, इसकी स्पीड मुझे थोड़ी सी कम देखने को मिली है। ऐड को स्किप कर। तो ये है जी इसका 4K रिज़ल्ट इस एंड्रॉयड बॉक्स का, यहाँ पर आपके सामने है जी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद इसको मैं जो फॉरवर्ड करता हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जी। ये
तो फाइनली दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक दो क्लिप जो है वो प्ले किए थे यूट्यूब के ऊपर जाके, मुझे इसके अंदर ये वाला फॉल्ट देखने को मिला है कि जैसे यूट्यूब में प्ले करता हूँ थोड़ी देर वीडियो चलती है, रुकती है, उसके बाद फिर बैक एंड पे जो है वो यूट्यूब बैक पे या वो पेज पे लेके आ जाता है। तो यहाँ पर मज़ीद में आपको चेक करवा देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो चलती है उसके बाद स्टिल हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद बैक पे फिर दोबारा जो है वो यूट्यूब पे आ जाता है। तो ये इसके अंदर जो है वो मुझे खामी देखने को मिली है। तो मैंने मेरे हिसाब से ये जो एंड्रॉयड बॉक्स है रिजेक्ट है जी, मैंने चेक किया है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो अभी इसकी जो वापसी है। तो ये था जी T9 Pro Max Plus, तो ये सुबह जो है इसको हम वापस करेंगे, फिर जो चेंज करके लेके आएंगे। तो इसका रिज़ल्ट मुझे खास देखने को नहीं मिला। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।